नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी दोस्तों। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका एक खास रीज़न ये है कि कई लोगों को आज के डेट में भी ये चीज़ में कन्फ्यूजन होती है कि कौन से मटेरियल को डाइल्यूट करने के लिए कितना पानी लेना ज़रूरी है। कई लोग अपनी इच्छा अनुसार ले लेते हैं पानी, और उसी के चलते कई बार सेपरेशन का भी प्रॉब्लम आ जाता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि प्रोडक्ट ठीक से यूटिलाइज भी नहीं हो पाता है, उनके मेज़रमेंट चेंज हो जाते हैं। इसके लिए ज़रूरी होता है कि आपके पास एक फिक्स मेज़रमेंट होना चाहिए कि कौन से प्रोडक्ट के सामने आपको कितना पानी लेना है, जिसके चलते वो डाइल्यूट भी ठीक से हो सके और आपके प्रोडक्ट में सेपरेशन भी नहीं आ सके। तो ये वीडियो खास इसी टॉपिक पे मैं वीडियो में बता रहा हूँ। उस तरीके से चाहो तो किसी पेज में लिख सकते हो, या फिर आप इस वीडियो को सेव कर लो और आप बार बार इसको देख सकते हो। पेज में लिख लो, ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। तो शुरू करेंगे। और ख़ास बात, मैं अगर किसी को प्रोडक्ट बनाने की कंप्लीट ट्रेनिंग चाहिए, पूरा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप अच्छे से सीखना है, आपको जीरो से लेके 100 तक पूरा मास्टर कंप्लीट होना है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को मैं डिटेल में सिखाऊंगा। और अगर आपको फॉर्मूला बुक वगैरह परचेस करनी है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। रॉ मटेरियल चाहिए हो तो भी आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो चलते शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला हमारा देखिए, कुछ मटेरियल ऐसे है जिसको डाइल्यूट करने के लिए आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर मटेरियल को डाइल्यूट करने के लिए पानी की ज़रूरत है। कई लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि जो मैं मटेरियल इस वीडियो में बोलूँगा उसके अलावा भी कुछ भी मटेरियल के बारे में भी बोल सकते हैं। मुझे कई लोग कमेंट भी करते हैं और कई लोग कॉन्टैक्ट भी करते हैं व्हाट्सअप में, डायरेक्ट कॉल पर भी, कि ये मटेरियल यूज़ करना है तो पानी कितना लगेगा। तो ऐसा नहीं है, जो खास मटेरियल जिसको डाइल्यूट करने की ज़रूरत है उसी को मैं यहाँ पे कवर करूँगा, और आप बस उसी मटेरियल पे ध्यान दीजिए। बाकी मटेरियल है आप उसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। कुछ प्रोडक्ट अगर इसमें छूट जाते हैं तो आप उसको अपनी इच्छा अनुसार यूज़ करके देख सकते हो। पाउडर फॉर्म में खास करके जो मटेरियल होते हैं उसको डाइल्यूट करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। बाकी हमारा एसिड स्लरी है उसको भी डाइल्यूट करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहला मटेरियल आप लिखिए एसिड स्लरी। एसिड स्लरी को पानी में डाइल्यूट करने के लिए आपको 4 गुना पानी की ज़रूरत पड़ेगी। मैं मेरे बहुत सारे वीडियो में इसके डिटेल बता चुका हूँ, लेकिन कई लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है। तो एसिड स्लरी को डाइल्यूट करने के लिए 4 गुना पानी की ज़रूरत है। अगर इन केस कोई ऐसा सिचुएशन होता है कि आपके बैच का जो टोटल मेजरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जा रहा है, तो वहाँ पर आप 3 गुना पानी कर सकते हो। बाकी उसको नॉर्मली 4 गुना पानी की ज़रूरत पड़ेगी। अब उसके बाद दूसरा हो गया कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा की बेस्ट लाई बनाने के लिए आपको 3 गुना पानी लेना है, यानी कि अपना 1 भाग कॉस्टिक का हो जाएगा, 3 भाग पानी का हो जाएगा। आपको 3 गुना पानी लेना है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉन्टेक्ट भी किया हुआ है, और उनकी जो मैंने प्रॉब्लम देखी है उनका कॉस्टिक लाई के मेज़रमेंट में कोई भी ठीक से नहीं होता है। कई बार कई लोग अपनी इच्छा अनुसार पानी ले लेते हैं, कई बार 2 गुना पानी भी ले लेते हैं, कई बार 7-8 गुना भी पानी ले लेते। तो ऐसा मत करो। कॉस्टिक सोडा की अगर आपको लाई बनानी है, बेस्ट एवर है, आप 3 गुना पानी लीजिए, बहुत ही बढ़िया लाई बनेगी आपकी, काफ़ी अच्छे समय तक चलेगी। प्रोडक्ट को डाइल्यूट करने के बाद भी खास ध्यान रखिए, आपको उसको एयर पैक डब्बे में रखना है, खुला मत छोड़िएगा। चाहे कोई भी आप मटेरियल को उसको डाइल्यूट करो, जब तक वो डाइल्यूट हो रहा है तब तक उसको खुला छोड़ो। डाइल्यूट हो जाने के बाद उसको एयरपैक करके रख दो, बेटर रहेगा। अब उसके बाद तो हो गया हमारा SLES पेस्ट। अब SLES पेस्ट का अगर आपको SLES लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आपको 1.5 गुना पानी लेना पड़ेगा, यानी कि अगर आपका 100 ग्राम एसिड SLES पेस्ट है तो आपको 150 ग्राम पानी लेना पड़ेगा। आपको 1.5 गुना पानी लेना है तो आपका कंप्लीट अच्छे से डाइल्यूशन प्रोसेस रहेगा, और 28% वाला SLES लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसके बाद हो गया HTPP, सोडियम ट्राईपॉलीफॉस्फेट। पाउडर फॉर्म में होता है, बहुत सारे लोग इसको डिटर्जेंट में यूज़ करते हैं, लेकिन इसका कई लोगों के पास एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होता कि इसको डाइल्यूट करने के लिए कितना पानी चाहिए। तो HTPP के सामने आपको 7 गुना पानी लेना है। जितना आपका HTPP रहेगा उससे आप 7 गुना पानी ले लीजिए, वो कम्प्लीटली डाइल्यूट हो जाएगा। हाँ, HTPP को डाइल्यूट होने में करीब 4 से 5 घंटा लगता है, तो जब अगर आप उसको डाइल्यूट कर रहे हो उसके बाद उसको 4 से 5 घंटा छोड़ दीजिए, वो ठीक से डाइल्यूट हो जाएगा। उसके बाद हो गया हमारा सोडा एस को आपको डाइल्यूट करना है, आप 7 से 9 गुना तक पानी ले सकते हो, वो कम्प्लीटली डाइल्यूट हो जाएगा। सोडा एस जब पूरी तरीके से पानी में डाइल्यूट हो जाता है वो पूरा पानी हो जाता है।
ये कुछ सामान्य इंग्रेडिएंट्स थे जो आए दिन इसका उपयोग होता है प्रोडक्ट बनाने में, और इसकी डाइल्यूशन प्रोसेस मैंने बताई है। आप इस तरीके से डाइल्यूट कीजिए, काफ़ी अच्छे से डाइल्यूट हो जाएगा ये। और इसके अलावा अगर आपको बेकिंग सोडा यूज़ करना है तो आप उसमें भी 5 से 6 गुना आप पानी यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छे से डाइल्यूट हो जाएगा। कंडीशन ये होती है कि आपका मटेरियल जो भी है वो पूरी तरीके से डाइल्यूट होकर पूरा पानी हो जाना चाहिए, जिससे कि आपके प्रोडक्ट में सप्रेशन ना आए। तो ये वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और अगर आपको ट्रेनिंग वगैरह चाहिए या रॉ मटेरियल चाहिए तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और अगर वीडियो पहली बार देख रहे हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।